हेलो एवरीवन, दिस इज वेब डेवलपमेंट कोर्स। और अगर आप भी हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है हमारी वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बोल लेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग जस्ट HTML का कोर्स चाहते हैं तो ये हमारा HTML का कंप्लीट कोर्स है, जिसकी वीडियोस जैसे जैसे आती जाएंगी अपलोड होती जाएंगी, तो इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब आते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट भी जरूर किया करें। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। हमने बेसिक जो HTML के टैग्स थे उनको कवर कर लिया है। अब आते हैं हमारे लेवल 3 के अंदर। अब पेज लेआउट टेक्निक्स जो है वो यूज करती हैं सिमेंटिक टैग लेआउट को। अब HTML के अंदर दो तरह के टैग्स होते हैं, एक होता है सिमेंटिक टैग और एक होते हैं नॉन सिमेंटिक टैग्स। अब कभी कभी क्या होता है कि जनरली हमें ऐसे टैग्स यूज करने पड़ते हैं जिनका इफेक्ट हमारे वेब पेज पर तो शो नहीं होता, पर जनरली हमारा वेब पेज कैसे काम कर रहा है, यानी SEO रैंकिंग में ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उस पर वो काफी हैवी इफेक्ट डाल सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि HTML के अंदर दो तरह के टैग्स होते हैं, एक होते हैं सिमेंटिक टैग्स और दूसरे होते हैं नॉन सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स वो होते हैं जिनको देखकर ही उनका मतलब समझ में आ जाए। जैसे HTML के अंदर एक टैग होता है हेडर, मतलब हमारे पेज का एक हेडर होता है, उसको हेडर बनाते हैं। या फिर जो पेज का फुटर होता है, मतलब फुटर के अंदर ही सारी फुटर वाली चीजें आती हैं, तो इनके नाम से ही पता चलता है कि इन टैग्स के अंदर एक्चुअली होने क्या वाला है। दूसरे होते हैं हमारे नॉन सिमेंटिक टैग्स, जिनको देखकर उनका मतलब समझ में नहीं आता कि उनमें एक्चुअली होने क्या वाला है। जैसे कि जीव या स्पैन टैग्स, उनको देखने से पता नहीं चलता कि इनके अंदर क्या हम करने वाले हैं, इनके अंदर क्या कंटेंट लिखने वाले हैं या इनका क्या यूज है। हमारी वेबसाइट के अंदर सिमेंटिक टैग्स को यूज करने के 2-3 फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि हमारा जो कोड है वो और ज्यादा रीडेबल बनता है, स्ट्रक्चर्ड बनता है। लाइनें जब हम लिखते हैं तो वो काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखी जाती हैं। दूसरा ये फायदा होता है कि अगर हमने किसी भी वेब पेज को बेसिक प्योर वेनिला HTML से बनाया है तो वो रैंकिंग में काफी अच्छा रहता है। जितना आप सिमेंटिक टैग्स को यूज करेंगे उतना ही आपका पेज जो है वो अच्छा रहेगा और SEO में रैंकिंग करेगा। तीसरा ये होता है कि गुड यूजर एक्सपीरियंस होता है। हमें राइट टैग्स को राइट चीजों के लिए यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने हेडर बनाना है तो अगर आप पी टैग लिखेंगे, पैराग्राफ टैग यानी लिखेंगे, और उसके अंदर आप हेडिंग दे देंगे तो और उसको कह देंगे कि ये हमारा हेडर टैग है या हमारा हेडर है वेबसाइट वेब पेज का, तो ये जो है वो ये आप गलत करेंगे, ऐसा नहीं करना। आपको आपने हेडर के लिए हेडर टैग को ही यूज करना है, और अगर कुछ बॉडी पार्ट में लिखना है मेन में तो उसके लिए आपने मेन को ही यूज करना है, और फुटर के लिए आपने हमेशा फुटर टैग को ही यूज करना है ताकि आपकी वेबसाइट या आपका वेब पेज जो है वो SEO रैंकिंग में अच्छा रहे। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं अपने हेडर टैग को। तो किसी भी नॉर्मल पेज के अंदर अगर अब हम हेडर बनाने वाले हैं तो बॉडी के अंदर जाकर हम यहाँ पर हेडर टैग सबसे पहले लिखेंगे। इसके अंदर अगर हम अपना वेब पेज बनाने वाले हैं, अब हम अगर हमारी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हम हेडर के अंदर अपना मेन्यू दे सकते हैं, जैसे अपने एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं, प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं अपनी। जैसे यहाँ पर हम अपनी एजुकेशन रखना चाहते हैं और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट्स लिखना चाहते हैं। हम सेव करते हैं, लाइव सर्वर पे जाके देखते हैं कि ये कैसा नजर आ रहा है। तो जब हम यहाँ आया तो ये हमारे पेज पर कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। अब हम इंस्पेक्ट व्यू पे जाकर इसका कोड देखें, ये देखेंगे ये हमारा प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट है और ये हमारा एजुकेशन वाला पार्ट है। दोनों के दोनों कंबाइंड होके हमारे हेडर के अंदर आ रहे हैं। वो इंस्पेक्ट करके हमें तो नहीं दिखता, विजुअली हमें नहीं दिखता, लेकिन जो गूगल है वो हमारे कोड को रीड कर रहा होता है, वेबसाइट बिल्ड कैसे हुई है। गूगल हमारे कोड को पढ़ता है हमारे वेब पेज को रैंक करने के लिए, तो उसको क्लियरली दिखता है कि आपने किस तरीके से अपना लेआउट बनाया है वेब पेज का। जैसे हमने हेडर बनाया तो हम चाहते हैं कि ये दोनों चीजें जो हमारी हैं वो सेम लाइन में आ जाए। क्या करते हैं, अभी इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देते हैं और इनको डाल देते हैं प्री के अंदर ताकि हम थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस दे पाए। हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। फॉर्मेटिंग का ये मतलब है कि हम यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस देंगे और यहाँ डाल देंगे अपने प्रोजेक्ट्स को एक ही लाइन के अंदर।
अब पी टैग को क्लोज करके इसको सेव करके रन करेंगे। अब हमारा पेज कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसके अंदर एजुकेशन भी है और प्रोजेक्ट्स भी है। आप इंडिविजुअली किसी पे भी क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, हम यहाँ पर एक फुटर बना लेते हैं। अब वेबसाइट का बीच वाला जो पार्ट है वो तो आता है मेन के अंदर। मेन यानी कि जिसके अंदर आप लोग मेन पेज का जो भी चीजें हैं वो डालेंगे। फुटर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, फुटर के अंदर वो चीजें दी जाती हैं एडिशनली जो हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। यूजली जो चीजें यूज की जाती हैं वो है लाइक, इसे लिख लेते हैं, कर लेते हैं सेव। तो ये हमारा फुटर है और ये हमारा हेडर है और ये जो बीच का ये जो पार्ट है, एरिया है, ये हमारा मेन पार्ट होगा। अब अगर हम बात करें हमारे मेन टैग की, तो इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग और असाइड टैग। अब सेक्शन टैग क्या होता है, फॉर अ सेक्शन ऑन योर पेज, यानी कि अगर हम कोई सेक्शन बनाने वाले हैं जिसमें हम बताएं कि यहाँ पर हमारा एजुकेशन का आएगा, यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, यहाँ पर हमारे एक्सपीरियंसेस आएंगे, तो उसके लिए हम अलग अलग सेक्शंस बनाते हैं और उसके लिए हम सेक्शन टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर इधर हेडर के अंदर हम लिख देते हैं माय पोर्टफोलियो पेज, हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग वन के अंदर हम लिखेंगे, सेव करेंगे। अब ये तो हो गई हमारी मेजर हेडिंग। आपको ऑब्वियसली अपना जो पोर्टफोलियो पेज है वो बहुत बेहतर बनाना है इससे। ये तो हम जस्ट एग्जांपल के लिए बना रहे हैं, रफ सा बना रहे हैं। जब आपने बनाना है तो बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा सा बनाना है, बहुत अच्छा सा डिजाइन करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे मेन टैग को, और मेन के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेक्शन टैग बनाना है। सेक्शन के अंदर आपने अपना जो भी अपने एक्सपीरियंसेस लिखने हैं, या आपने एजुकेशन लिखनी है, या प्रोजेक्ट्स लिखने हैं, जो भी चीज़ें आपने लिखनी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल इस सेक्शन के अंदर हम अपनी एजुकेशन के बारे में लिखना चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं जहाँ से आपने एजुकेशन ली है। इस तरीके से बेसिक चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला सेक्शन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे हम एक्सपीरियंसेस लिख लेते हैं। अब जब हम इसे पेज के ऊपर देखेंगे तो ये हमें नॉर्मल पैराग्राफ की तरह ही लगेगा, जिसको हम पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते थे, पर एक्चुअल हमें चीजें तब पता चलेंगी जब हम इस पेज को करेंगे इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करके हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीजें हमने ऐड की हैं और उनका क्या क्या फायदा है। इंस्पेक्ट करके हमें पता चलेगा कि ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, ये एक सिंगल सेक्शन के अंदर आई है, ये एक सिंगल सेक्शन के अंदर आई है, ये मेन एक सिंगल सेक्शन के अंदर आया है, फुटर एक सिंगल सेक्शन के अंदर आया। अगर बॉडी को देखा जाए तो पूरा ये एक सिंगल सेक्शन बन गया है। तो इस तरह से अपने कोड को डिवाइड करना जरूरी है ताकि सिमेंटिकली पता चल सके कौन सी चीज क्या है और इसको किस लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट जिस टैग को हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आर्टिकल टैग। अब मान लीजिए कि हमारे पेज पर हमें कोई आर्टिकल लिखना है, तो उसके लिए हम आर्टिकल टैग को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर हम एक आर्टिकल टैग बना लेते हैं। इसके अंदर हम अपनी स्टोरी बता सकते हैं, लाइक हम कोडिंग क्यों सीख रहे हैं, या हमारी लाइफ का गोल क्या है, किसी अपने बारे में कुछ भी आप लोग इस स्टोरी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जिस टैग की हम बात करने वाले हैं वो है हमारा असाइड टैग। असाइड टैग को यूज किया जाता है फॉर कंटेंट असाइड मेन कंटेंट, यानी एड्स हो सकते हैं। अब जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें कुछ कुछ कहीं कहीं एड दिख रहे होते हैं हमें, तो वो एक्चुअल वेबसाइट पे जो डाटा है उससे रिलेटेड तो नहीं होते। अब जैसे एड टाइप का कोई कंटेंट होता है तो ये हमारे मेन कंटेंट का पार्ट नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि गूगल जब आपकी वेबसाइट पे आए तो वो आपके मेन कंटेंट को जो है ना वो रीड करे, के लिए आप असाइड टैग का यूज करते हैं। जब उसमें एड्स आपने अपनी वेबसाइट में यूज किए हुए होंगे तो वो आप गूगल को बता रहे होंगे कि आपने एड्स को छोड़ के हमारे मेन कंटेंट को टारगेट करना है। तो इसको भी हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं असाइड टैग, इसके अंदर हम लिख देते हैं दिस इज अ एड। तो ये देखें दिस इज अ एड करके हमारे ये एड का असाइड टैग ने बता दिया है कि ये हमारा एड है। अब जब भी हमारे गूगल जो है हमारी वेबसाइट पे आएगा तो वो इस चीज को जो है वो इग्नोर करेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये हमारे मेन कंटेंट का पार्ट नहीं है।
तो इससे हमारी SEO रैंकिंग में काफी हेल्प होती है।